एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, बाबा साहब। बिल्कुल आवाज नहीं आई, लगी नहीं रहा हम लोग बाबा साहब के वंशज यहाँ बैठे हैं और उनकी 62वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाबा साहब, बाबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्रम मंत्री गोपाल राय जी और जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी मंत्रालय के मद्देनजर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, भाई राजेंद्र पाल गौतम जी और सभागार में उपस्थित तमाम सम्मानित विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे परिवार के, हमारे क्षेत्र की जनता, आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। मुझसे पूर्व बहुत गहराई से राजेंद्र पाल गौतम जी ने बाबा साहब के संघर्ष के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के लिए नहीं संघर्ष करा, पूरी मानवता के लिए उन्होंने संघर्ष करा। हम लगातार अलग अलग किताबों के माध्यम से, छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, बहुत बुद्धिजीवियों के मुँह मुँह से उनके बारे में व्याख्यान सुनते हैं और इस निष्कर्ष पर हर बार ये पहुंचा जाता है कि वो व्यक्ति या जाति विशेष के समर्थन में नहीं थे, लेकिन राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपना अधिकार, अपना फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें एक दायरे में बांध कर रख दिया। तो ऐसे में आज हम उनकी 62वीं पुण्यतिथि पर उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात का भी प्रण लें कि उनके बच्चे होने के नाते, उनके अनुयायी होने के नाते, हमें ही आज देश में इस जो है बेड़ियों को तोड़ना होगा कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं थे, उन्होंने मानवता में के लिए काम किया है। उन्होंने मानव जीवन में, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हैं, उनके अधिकार दिलाने के लिए लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ते हुए अपनी अंतिम सांस लिए। इसके लक्ष्य हमें यहाँ से आज लेकर जाना होगा। और जिस प्रकार से मैं हमेशा कहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो स्थापना हुई है वो गांधी जी और अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करने के लिए ही परमात्मा ने आम आदमी पार्टी का गठन किया है। 26 तारीख को जब मैं हमारा स्थापना दिवस पार्टी ने 5 साल पूरे किए थे, मैंने तब भी मंच से यही कहा था कि देश में अगर कोई राजनीतिक पार्टी असलियत में गांधी जी की और संविधान की आत्मा को जिंदा रखते हुए आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम कर रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। जहां पर संविधान को जिंदा रखते हुए, कानून के दायरे में आते हुए, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, छात्र छात्राएं हैं, बुजुर्ग है, मजदूर है, सबके अधिकारों का अगर कोई चिंता कर रहा है, सबके अधिकारों का अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व क्षमता, उनकी कैबिनेट, उनके मुख्यमंत्री करे। और उसी प्रकार से जो राम राज्य का सपना महात्मा गांधी का था कि अगर देश में कोई भी सरकार चुनकर आती है और उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि चुने जनप्रतिनिधि के माध्यम, चुनी हुई सरकारों के माध्यम से देश में, अपने स्टेट में, अपने राज्य में, अपने विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के लिए काम करे, तो वो गांधी का भी सपना अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधि, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री इसको कर रहे हैं। बाबा साहब ने अभी मुझसे पूर्व राजेंद्र पाल गौतम जी ने बताया कि बाबा साहब ने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, उनके वर्किंग आवर्स को 12 से घटाकर 8 घंटे करा, उनकी मिनिमम वेजेस को जो है परमानेंट कराया कि इतना मिनिमम वेजेस मजदूरों को मिलना ही चाहिए। अगर उससे उसको जोड़कर आज दिल्ली सरकार की ऐतिहासिक स्कीम को देखते हैं तो आज दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां मजदूरों का मिनिमम वेजेस पूरे देश में सबसे ज्यादा है। और किसने करा? वो आम आदमी पार्टी ने करा। तो हम क्यों ना इस बात को कहें, या मैं स्वयं इस बात को क्यों ना फील करूं कि बाबा साहब के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। उसी संदर्भ में आप ले लीजिए, लगातार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कोई कहीं नहीं बोलता। इस देश के अंदर 29 राज्य है, 29 राज्य में से आधा अधूरा अगर दिल्ली का राज्य छोड़ दे और बाकी 28 राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है पार्टियों की सरकारें हैं। लगातार महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में ना मंत्री बोलते हैं, ना मुख्यमंत्री बोलते हैं, ना चुनी हुई महिला आयोग की टीम बोलती है, ना विधायक बोलते हैं। दिल्ली देश का एक पहला ऐसा राज्य है
जहां पर अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्दशा होती है तो अगला दिन सुबह दिल्ली का मुख्यमंत्री उठता है और उस महिला का जाकर हालचाल पूछता है, कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई के लिए एलजी से बात करते हैं, राष्ट्रपति से बात करते हैं, रक्षा मंत्री से बात करते हैं। तो मैं इस बात को क्यों ना पुरजोर विरोध पुरजोर समर्थन के साथ कहूँ कि जो बाबा साहब जो है महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके संरक्षण के लिए सपना देख रहे थे, आज उसको अगर पूरा कर रहा है, उनके 62 साल जाने के बावजूद अगर उनकी आत्मा को कोई जिंदा रखे हुए है तो वो दिल्ली की सरकार, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। उसी प्रकार से बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी दलितों के बच्चों को शिक्षा देने की, सम्मान देने की, उनको न्याय देने की। उसी के संदर्भ में आज इतनी ऐतिहासिक योजना जो कि स्वयं अपने मुखारविंद से माननीय मुख्यमंत्री जी ऐलान करेंगे, कौन सपना पूरा कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनके इस सपने को पूरा कर रही है कि उनका जो नारा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, शिक्षित बनने के लिए आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ऐतिहासिक क्रांतिकारी काम कर रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे जाते हैं? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते हैं दलितों के, पिछड़े वर्ग के, मजदूरों के। और आज उन सरकारी स्कूलों के अंदर अगर राष्ट्रीय लेवल नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सुविधा प्रदान कर रहा है तो कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। मनीष सिसोदिया जी आज क्रांतिकारी कदम उठाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ देश में नहीं दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। उसी प्रकार से बाबा साहब ने लगातार इसलिए संघर्ष करा कि मजदूरों को, दलितों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ताकि वो स्वस्थ मानसिकता के साथ, स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ अपनी रोजी रोटी कमाए और अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के आने से पूर्व दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी, ये किसी से छुपी नहीं है। और दिल्ली छोड़िए, आज भी ये किसी से छुपा नहीं है। यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो या देश के अन्य राज्य हो, वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह चरमराई हुई है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन एकमात्र आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है, जो अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जाने वाले हर दलित, हर गरीब, हर मुस्लिम, हर पिछड़े वर्ग के स्वास्थ्य का इस प्रकार से ख्याल रखती है जैसे मुख्यमंत्री का खुद रिश्तेदार उस अस्पताल में जाए तो सारी की सारी A1 क्लास की फैसिलिटी जो है उन्हें उपलब्ध हो। तो हम क्यों ना कहें गर्व से कि अगर बाबा साहब के सपने को कोई पूरा आज 62 साल बाद कोई कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर रही है। और मैं प्रभु को, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 62 साल बाद ही सही, लेकिन जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए कोई तो इस संसार में आया, कोई तो इस धरती पर आया जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए दलितों के, मजदूरों के, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सम्मान के लिए दिन रात कार्यरत है। तो मैं बस बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मंच से आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष और साथ साथ हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कि आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पूरा दलित समाज आखिरी पंक्ति से, आखिरी गांव से व्यक्ति अगर आवाज़ बुलंद करेगा तो आम आदमी पार्टी के हित में करेगा, हमें पूरा इस बात का विश्वास है। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इतने सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और जो ये योजना हमसे लगातार मुख्यमंत्री जी पूछते थे और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि आज तक इस देश में इतने प्रधानमंत्री, इतने मुख्यमंत्री, इतनी सरकारें आई लेकिन कोई भी इस चीज पर काम नहीं कर पाई कि क्यों मोची का बेटा मोची ही बने, जूता बनाने वाले का बेटा जूता बनाने वाला ही क्यों बने, सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी क्यों बने। ऐसी योजना आज तक देश में सरकार में क्यों कोई और नहीं ले लाकर आया कि अगर सफाई कर्मचारी का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर क्यों ना बने, इसके लिए अभी तक किसी सरकार ने नहीं सोचा। अभी तक किसी सरकार ने नहीं सोचा कि लोहार का बच्चा सिर्फ वो लोहार का ही काम क्यों करे, कुम्हार का बच्चा सिर्फ मटके बनाने वाला ही काम क्यों करे, चमार का बच्चा सिर्फ जूता बनाने का काम क्यों करे। इससे हमें इस दायरे से ऊपर उठना होगा और ये दायरे से ऊपर उठने के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक स्कीम का आज अनावरण आप लोगों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैं पुनः सरकार को, हमारे SC/ST मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को, हमारे
पूरे कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतनी ऐतिहासिक स्कीम आपने दलितों के उत्थान के लिए, मजदूरों के उत्थान के लिए लेकर आए हैं। इसका बिल्कुल हम लोगों को लाभ होगा, हम लोगों से ज़्यादा हमारे समाज के उत्थान के लिए। और अग्रिम पंक्ति में आकर हमारे लोग भी सीना चौड़ा कर गर्व से कह सके कि हाँ, हम लोग इस पद पर हैं। उन्हें अपनी जो है पेंशन के लिए लड़ना ना पड़े, उन्हें अपनी मिनिमम वेजेस के लिए लड़ना ना पड़े। और इतना अच्छा कानून लेकर आए कि अगर मिनिमम वेजेस दिल्ली में नहीं मिलता है तो सीधा उसका लाइसेंस रद्द किया जाए या कानूनी कार्रवाई हो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ करने को है और बहुत कुछ कहने को है, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना होगा कि 62वीं हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। अभी संघर्ष बहुत दूर है, अभी संघर्ष शुरुआत हुई है। उन्होंने तो सिर्फ शुरुआत करी थी और वो बीच में छूट गया, हम लोगों को दलों में बांट दिया, हमें दलितों से भी सब कास्ट में बांट दिया। हम लोगों को एक मुट्ठी बनकर इकट्ठे होकर दोबारा आवाज बुलंद करनी होगी और जो हमारी अधिकार, जिन अधिकारों से हम और समाज वंचित है, उनको वो दिलाने के लिए संघर्षरत होना पड़ेगा। हम लोगों को बाबा साहब को सिर्फ 14 अप्रैल को याद कर या 6 दिसंबर को याद कर काम नहीं चलने वाला। हमें उन्हें दिन रात याद कर संघर्ष करना होगा और दलित समाज की आवाज़ बुलंद कर दोबारा से अम्बेडकरवादी जो है सोच को आगे बढ़ाकर उनके सपने को पूरा करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि बाबा साहब जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।